नगर पालिका द्वारा आज हाट रोड से हटाए गए अतिक्रमण। जिलाधीश के आदेश के बाद नगर पालिका द्वारा आज स्थानीय हाट रोड से दुकानों के बाहर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। इस दौरान खुद नगर पालिका सीएमओ भी मौजूद रहे। और कर्मचारी का टी शर्ट देता हूँ पहचानने में आएंगे। ये नगर पालिका की मुहिम कलेक्टर महोदय के निर्देश पर, क्योंकि सड़कों का बिल्कुल ये स्थिति कर दिए है कि कहीं पे पैदल निकलने में भी दिक्कत आती है। फोर व्हीलर बाहर से तो बहुत बड़ी बात है, आम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। इसलिए कलेक्टर महोदय के निर्देश पर ये पूरा अतिक्रमण मुक्त हमने इस रोड को करने का निर्णय लिया है और ये मुहिम हमारी आज से चालू हुई है और ये निरंतर जब तक पूरी तरह से समाप्त अतिक्रमण को हम नहीं कर देंगे तब तक निरंतर चलेगी। स्थायी अतिक्रमण हटा रहे हैं या टेम्परेरी? अभी हमारा मकसद सड़क साफ क्लियर करने का है, जो रोड जितनी है उतनी रोड पूरी क्लियर करना चाहते हैं। इसके बाद अगर इसमें कोई स्थायी अतिक्रमण भी आएगा, इस बीच जबदाल बनेगा, हम उसको भी हटाने में संकोच नहीं करेंगे। अतिक्रमण केवल इसी रोड से हटाया जाएगा या अन्य जगह भी? सारी सड़कें जो गुना शहर की प्रमुख सड़कें हैं, ये आज हमने शुरुआत हाट रोड रफ्ते से की है। इसके बाद हम नीचा बाजार, नई सड़क, लक्ष्मीगंज, बापू मार्केट और बस स्टैंड, बजंगा रोड, ये टेंट हो रहा है, सभी जगह इस पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें राजनीतिक लोगों का भी, भाजपा कांग्रेस का नहीं, इसमें किसी का कोई नहीं देखा जा रहा है। ये मुहिम कलेक्टर महोदय के निर्देश पर चल रही है।